जी, तो हम सबको इंतज़ार था इसका, इस्लामिया का सेमीफाइनल्स ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो आज का मैच जो होने जा रहा है, जो रात को 12 बजे मैच होगा, अर्जेंटीना वर्सेस क्रोएशिया। तो लास्ट वर्ल्ड कप का फाइनलिस्ट क्रोएशिया और फ्रांस दोनों ही सेमीफाइनल में हैं, और ये दोनों ही ख़तरनाक हो सकते हैं सेमीफाइनल में। अब मेसी की टीम इस तरह खेल के आ रही है, ये डिज़र्व तो करते हैं। अब ज़ाहिर है हर टीम जो सेमीफाइनल तक पहुँची वगैरह से तो ही पहुँचती, और मोमेंटम भी देखा जाए तो मेसी को सूट कर रहा है। और अब देखते हैं कि अब यहाँ तक आके क्या मेसी कामयाब होगा कि अब रोनाल्डो की तरह आंखों में आंसू लेके ही निकलेगा ग्राउंड से, जिस तरह रोनाल्डो क्रोएशिया से हार के और रोता हुआ गया है। ही इज़ वन ऑफ द गोट ऑफ द गेम, बट अनफॉर्चुनेटली अनेबल टू विन वर्ल्ड कप फॉर हिज कंट्री, और ये बहुत बड़ा दुख होता है बड़े प्लेयर के लिए। तो अब देखते हैं कि मेसी की किस्मत में क्या लिखा है, क्या इसकी किस्मत में वर्ल्ड कप फाइनल। तो ये खेला है 2014 का, लेकिन वो फाइनल भी हारा था जर्मनी के हाथों 1-0 से। और अब देखना होगा कि क्या जो पिछला दाग है फाइनल हारने का, या अपने कैरियर को एक 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 और स्टार लगाने का। ग्रेट प्लेयर तो है, कोई डाउट नहीं है, कोई इसमें बात नहीं कर सकता कि प्लेयर कैसा है या कैसा नहीं है, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या मेसी की किस्मत आज रात को चमकती है कि रोनाल्डो की तरह बगैर खाली हाथ ही जाएगा वर्ल्ड कप के। इस दफा लग तो रहा है चांसेस मेसी के बहुत ज़्यादा हैं, और अगर वो स्टार्ट से अटैकिंग खेले और अपने अटैकिंग गेम की उन्होंने, तो चांसेस हैं कि इनका ये जीत सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर क्रोएशिया को देखा जाए तो वो सेकंड वर्ल्ड कप है, वो लास्ट के रन अप थे वर्ल्ड कप 2018 के फ्रांस के साथ। और सेकंड सेमीफाइनल अगर देखें फ्रांस वर्सेस जो मोरक्को है, वो भी एक बनस्पतन वीक टीम आई है मोरक्को की। अगर देखा जाए मोरक्को वर्सेस फ्रांस, फ्रांस फेवरेट है। और अगर इस मैच में देखा जाए पहले सेमीफाइनल में, तो दोनों ही टीमें अगर कैश, अगर उनका लास्ट मैच देखें तो उसमें बहुत अच्छा नॉकआउट्स में जाके मेसी ने जीता, ये पॉजिटिव साइन है कि उनकी कीपिंग भी अच्छी है। तो अब देखते हैं कि अब इस सेमीफाइनल्स में क्या हमें मिलता है। मेरी प्रिडिक्शन यही है कि फाइनल क्रोएशिया और फ्रांस का हो सकता है दोबारा से 2022 के कतर वर्ल्ड कप में भी। अब देखते हैं कि आज रात को कैसा मैच होता है।